सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयशन ठक्कर। और फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने उसके KTM असिस्टेंटी पे क्लच और ब्रेक का प्रोटेक्टर लगाया है, जो कि आप देख सकते हो अभी लगा हुआ है हैंडल बार पे। तो मैं सोचा उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप सबको मालूम पड़े कि अगर किसी को असिस्टेंटी के लिए लेना हो तो। और फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगा कि और इसने कहाँ से लिया है वो भी बताऊंगा, और इसका लुक कैसा लगता है बाइक के ऊपर वो सब चीज़ें आज आपको शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने में आप छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बेसिस पर रहते हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले इसके लुक्स की। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो तो इसका जो लुक और डिज़ाइन है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और अच्छा भी लगता है गाड़ी पे। और यहाँ पे फ्रेंड, अगर आप देखोगे तो जो मेरा फ्रेंड है उसने यहाँ पे ऑरेंज कलर का हैंडल बार लिया है प्रोटेक्टर, और ये ऑरेंज कलर जो है थोड़ा सा मैच भी हो रहा है असिस्टेंटी पे, क्योंकि इसके जो चेसिस का कलर है वो भी ऑरेंज ही है, तो थोड़ा बहुत ये मैच हो जाता है। और फेयरिंग पर भी थोड़ी सी ऑरेंज कलर की लाइन्स है, तो थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाता है। और फ्रेंड, इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो एक्सेट्रा। तो अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे जो कि आपके बाइक के कलर के हिसाब से सूट हो सकता है। और फ्रेंड, इसके मैं बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इनकेस अगर आपको बाय करना हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। और फ्रेंड, इसका जो मेरे फ्रेंड को कॉस्ट पड़ा है वो है 980 रुपीज़, और उसने अमेज़ोन पे से परचेस किया है, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ और आप वहाँ से देख लो। और अगर आप अमेज़ोन पे सर्च करते हो तो आपको शायद इससे कम प्राइस में भी मिल जाए, लेकिन ये जो मेरे फ्रेंड ने लिया है ये ऑल एक्सट्रीम कंपनी का है, तो आप देख लीजिए उसके हिसाब से। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे क्राउडी एरिया जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर गाड़ी पार्क करते तो वहाँ पे सपोज साइड में आपके गाड़ी को टच करके अगर कोई गाड़ी लगाते तो उसका जो ब्रेक लीवर रहता है आपके ब्रेक लीवर को टच वगैरह होता है, उससे आपको जो ब्रेक या फिर क्लच लीवर उसका डैमेज होने का भी चांसेस रह सकता है। तो लेकिन अगर आप ये बार लगाते हो तो उसका जो चांस है कम हो जाता है, हालांकि पूरी तरीके से तो वो प्रोडक्ट नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो वो केस में भी आपको ये हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसका जो इंस्टॉलेशन है ये भी काफ़ी ईजी है, तो आप इसको घर पर भी लगा सकते हो अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो। और यहाँ पे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत भी है मैं बोल सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो लगी है वो है कि इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा था, क्योंकि जब मैं अमेज़ॉन पे देख रहा था तो मुझे दूसरे ब्रांड्स के जो प्रोटेक्टर गार्ड थे वो थोड़े से कम रेट में दिख रहे थे, जैसे कि 600-700, तो प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं आएगा, लुक भी अच्छा है और कलर ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को लिखते ही। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी उसके ऊपर टैप कर लीजिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं चैनल रिलेटेड अपडेट्स जो है वहाँ पर भी पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपको हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।